हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आप लोग के साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ उसका नाम आपको थंबनेल से पता चल गया होगा। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छा लगे। सो अगर आपको ये अच्छा लगे रेसिपी तो दोस्त एंड फैमिली के बीच में जरूर शेयर कीजिएगा। एंड जो मेरे चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा एंड प्रेस द बेल बटन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई न्यू वीडियोज। लेट्स सी मैं कैसे बना रही हूँ। आप जरूर ये रेसिपी घर में ट्राई कीजिए और मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा कि आपको ये कैसा लगा। लेट्स सी। यहाँ पे मैं 600 ग्राम चिकन लेग पीस को लॉलीपॉप शेप में ली हूँ। इसको मैं अच्छे से धो के साफ करके रखी हूँ। अभी मैं इसे मैरिनेट करूँगी। इसके लिए मैं पहले इसमें 3 चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट पहले ऐड कर दूँगी। यहाँ पे 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर इसमें ऐड कर रही हूँ, ब्लैक पेपर पाउडर। थोड़ी सी हल्दी पाउडर इसमें ऐड करूंगी, 1 छोटा चम्मच। यहाँ पे कश्मीर लाल मिर्च पाउडर 1 बड़ा चम्मच ऐड कर रही हूँ, इससे अच्छा कलर आता है। 1/2 चम्मच यहाँ पे जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच यहाँ पे धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच यहाँ पे चिकन मसाला का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक ऐड करके अच्छे से ये सबको मिक्स कर लूँगी। ये मैं आज बिना अंडे के बना रही हूँ। आप इसमें अंडा भी ऐड करके बना सकते हैं। इसी टाइम में अंडा ऐड करके अच्छे से मिक्स कर सकते हैं इसको। यहाँ पे 1/2 नींबू को मैं इसमें निचोड़ लूंगी। अभी गर्मी के मौसम में नींबू में अच्छे से रस रहता है तो 1/2 नींबू सफिशियंट रहेगा। मीडियम साइज का जो नींबू रहता है। यहाँ पे 1 चम्मच यहाँ पे सोया सॉस इसमें ऐड कर रही हूँ। सोया सॉस के साथ ही साथ बहुत कोई विनेगर का भी यूज कर सकते हैं इसमें। यहाँ पे 1/2 चम्मच ग्रीन चिली सॉस इसमें ऐड कर रही हूँ। ये सबको अच्छे से आप मिक्स कर दें और 1/2 घंटे के लिए उसको ढक के अच्छे से छोड़ दें। उसके बाद सेकेंड फेज मैरिनेशन स्टार्ट होगा। 1/2 घंटे के लिए अच्छे से छोड़ दें इसे। यहाँ पे 1/2 घंटे बाद इसको निकाल के जब भी फ्राई करना रहेगा उससे पहले ही ये मैरिनेशन स्टार्ट होगा। यहाँ पे 1 चम्मच बेसन में इसमें ऐड कर रही हूँ, 2 चम्मच यहाँ पे कॉर्नफ्लोर और 2 चम्मच मैदा ऐड करके अच्छे से इसको मिक्स कर लूंगी। थोड़ा सा इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करूंगी। सबको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अंडा ऐड करने से एक फायदा होता है, इसमें पानी का यूज नहीं करना पड़ता। ये जो सेकेंड फेज मैरिनेशन होता है तो इसमें मुझे थोड़ा सा पानी की जरूरत लगी थी, 2 चम्मच के करीब जरूरत लगी थी। ये सबको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। इस टाइम में आप गैस में तेल छोड़ दें गर्म होने के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं मैं तेल छोड़ दी थी पहले से ही गर्म होने के लिए। इसको अच्छे से आप गर्म हो जाने दीजिए। देख सकते हैं पहले हम चेक कर लेंगे। यहाँ पे अच्छे से ये गरम हो गया है तो अभी एक एक करके चिकन लॉलीपॉप को इसमें ऐड करते जाएंगे। और इसको चिकन लॉलीपॉप ऐड करने के बाद गैस के फ्लेम को बिल्कुल धीमा कर दीजिएगा और इसको अच्छे से अंदर तक पकने दीजिएगा। 1 मिनट तक इसमें हाथ मत लगाएगा। 1 मिनट बाद इसको फ्लिप कर दीजिएगा। फ्लिप करने के बाद थोड़ा सा जगह बचा था तो मैं और 2 ऐड कर दी हूँ यहाँ पे। देख सकते हैं धीरे धीरे ये कलर आना स्टार्ट हो गया है। खाने में गाइस बहुत टेस्टी लगता है और बहुत इजीली भी बन जाता है, बहुत कम टाइम टेकिंग लगता है। और अगर आप लेग पीस का यूज़ कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर आप विंग्स के पीसेस में से ये लॉलीपॉप बना रहे हो तो उससे बहुत कम टाइम में बन जाता है। तो आपके ऊपर है किससे बनाना है। यहाँ पे पहले जो 3 पीसेस ऐड की थी उसमें से 2 रेडी हो गया है। देख सकते हैं कितना बड़ा बड़ा पीसेस बना है। अभी जो बचा हुआ 2 पीस है उसको मैं ऐड कर रही हूँ। ये सबको आप मीडियम से थोड़ा नीचे रख के फ्लेम इसको कुक कीजिएगा, ये अंदर तक अच्छे से पकेगा। अभी बन के रेडी हो गया है। पहले जो 3 पीस मैं ऐड की थी उसमें से एक ये बच गया था।
देख सकते हैं कितना यम्मी लुक दिख रहा है ये, और खाने में भी उतना ही टेस्टी लग रहा था। आप ज़रूर घर में ये रेसिपी ट्राई कीजिए और मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा, आपको ये कैसा लगा। मस्ट ट्राई इट गाइस।